चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग चिराग आज महागठबंधन चिराग 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 पासवान जिंदा हाजीपुर से कौन चिराग पासवान की कोई और चिराग जीतेगा पासवान जीतेगा पूरा। हमारे पप्पू जी आदरणीय पप्पू जी जो 54 साल के वो नौजवान है और चिराग पासवान बूढ़े हो गए, तो हम लोग बूढ़े के साथ रहेंगे चिराग पासवान के साथ। किसको वोट दीजिएगा चिराग पासवान की कोई और? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। लोटा है जी है? है? जिसको वोट डाल रहे हैं उतला दारू बेच रहा है, दारू बेच रहा है। हाँ, बोल रहा है कि हम नहीं बेच रहा, लेकिन बेच रहा है। तो दारू कौन बेच रहा है? दारू तो बंद है बिहार में। अरे महाराज चलिए आपको दिखाते हैं, दिनों 70 को अड्डा पे हम लेकर चलते हैं कि दारू मिलेगा आपको। कितना बोरा चाहिए? हाजीपुर स्टेशन पे कह रहे हैं कि पीछे से कितना बोरा चाहिए। नीतीश जी ठीक से देखिए, क्या जी आँख खोल के देखना चाहिए ना, किसको चिराग पासवान की कोई और? अब देखिए तो समय बताएगा, अभी कैसे कहा जाए। क्या नाम है आपका? विश्वेश्वर राय जी। विश्वेश्वर राय जी, राय जी, राय जी लालू जी को वोट दीजिएगा कि चिराग पासवान? ये अभी हम कैसे कह दें, युवा चिराग भी है, युवा तेजस्वी भी है, तो किसको? अब यहाँ का कैंडिडेट आप देखिए ना कौन आता है, तो है चिराग पासवान। चिराग पासवान आए, फिर अब उनका कौन आता है सब देखना। अच्छा मतलब बिहार, मतलब यहाँ का सीट अभी फाइनल नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम तो नालंदा से। नालंदा से तो उधर तो नीतीश जी होंगे। हाँ नीतीश जी हैं। विकास क्योंकि किए हैं। हाँ विकास तो बहुत किए हैं, सारा इधर का उठाकर उधर दे दिए हैं एकदम, इसमें दो मत नहीं है। चलिए तो आप कहाँ से हैं? मैं समस्तीपुर से हूँ भैया। समस्तीपुर से? हाँ। किसको? समस्तीपुर में बीजेपी ही रहेगा बॉस। बीजेपी? हाँ हाँ। कौन इनकी बेटी जो लड़ रही है? किसी की बेटी हो, किसी की पुतौ हो, किसी का बेटा हो, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पे बस 400 पार हो जाए? हाँ हाँ 400 पार होगा, नहीं होगा ये नहीं पता, मैं समस्तीपुर का बात कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ से तो बीजेपी, मतलब तीसरी बार जो है मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। क्या बोले भाई, क्या किए हैं मोदी जी बताइए जरा? क्या नहीं किए? क्या किए हैं? नहीं किए राम मंदिर के अलावा कोई काम बता दीजिए। राम मंदिर के अलावा कोई काम? राम मंदिर ही बना दी तो यही तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है यही तो सबसे बड़ी बात है। मंदिर से रोजगार मिलेगा, इनका सवाल। क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। कई करोड़? कई करोड़? कई करोड़ नहीं, वहाँ मंदिर के पास कितना दुकान है भैया? मैं छोटा बात करूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ जो बड़ा बात करूंगा। कितना दुकान है, कितना दुकान है? हर दुकान पे एक फैमिली का नंबर, एक दुकान से एक फैमिली चलता है ना। और कितना दुकान है देख लीजिए, मंदिर से रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? चलिए आपका जवाब दे दिया, आगे बोलिए सवाल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मंदिर से रोजगार मिलता है या हॉस्पिटल खोलने से रोजगार नहीं मिलता है? विद्यालय खोलने से रोजगार नहीं मिलता है? फैक्ट्री खोलने से रोजगार नहीं मिलता है? मंदिर खोलने से एक समय के लिए ही रोजगार मिलता है? लेकिन हॉस्पिटल गलत कह रहे हैं, इसका जवाब सुनिए। जवाब सुनिए, मंदिर खोलने से वहाँ पे टूरिस्ट जाएगी, टूरिस्ट जाएगी, बहुत सारे लोग घूमने आएंगे वहाँ से, दुकानें चलेंगी। और एक आप हॉस्पिटल खोल दीजिएगा तो उसमें कितने लोग आएंगे आप बताइए? मरीज जाएंगे पूरे देश, पूरे देश से क्यों जाएंगे? अयोध्या ही जाएंगे ना, और अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से आएंगे। वर्ल्ड से? हाँ। पैसे से तो नहीं बनी है ना सर, मंदिर में आप भी डोनेट किए होंगे, मंदिर में आप भी डोनेट किए, हम भी किए हैं, तो मंदिर हम लोग के पैसे से है। विरोध में नहीं हूँ मैं, मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, विरोध बात तो समस्तीपुर में हूँ। मेरे समस्तीपुर, मेरे गांव में दो स्कूल खुला, मेरे गांव में दो स्कूल खुला, मेरे गांव में दो स्कूल, एक अस्पताल, एक अस्पताल। मोदी जी आ रहे हैं इस बार? इस बार परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन जी? विपक्ष का नाम बता दीजिए कौन है? जो भी सरकार में पहले से है उसको बदल के नया नई पार्टी को लाना है। कौन आ रहा है? राहुल जी आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, ममता दीदी आ रही है। इस बार लंटेन आएगा, लंटेन आएगा, इस बार लंटेन आएगा। केंद्र की बात हम कर रहे हैं, केंद्र में। इस बार लोकसभा में, इस बार लोकसभा में हमने लंटेन को ही वोट देना है। आपने दीजिएगा, केंद्र में तो लंटेन नहीं, नहीं केंद्र में भी बदल। प्रधानमंत्री कौन होगा? कांग्रेस बनेगी, राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी बनेंगे। सक्षम है और हर चीज में सक्षम है। क्या बोले भाई? अब पप्पू मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे जो बोल रहे? हाँ तो फिर 70 सालों से जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में पढ़ के जो आप बोलने का सीखा है वो पप्पू के स्कूल में ही सीखा था, ना कि नरेंद्र मोदी के स्कूल में सीखा, के पप्पू के बाबा दादा के स्कूल में। मैं वो दिन देखा हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत याद है, जब मैं बच्चा था ना स्कूल में जाता था, स्कूल जाता था, मेन गेट से जाता था, पीछे गेट से भाग के आता था। अभी जाके देखो मेरे गाँव के स्कूल में, अगर मेन गेट से घुसे ना तो पीछे से निकलने का कोई जगह नहीं है।
वही उसमें उस टाइम मैं देखा हूँ बैकडोर बंद हो चुका, बंद हो चुका है। और अभी क्या है ना, अभी बैकडोर बंद हो चुका है, उस टाइम मैं देखा हूँ, मैं किया हूँ ये चीज, आगे से घुसता था पीछे से बैग लेके बाहर। स्कूल में पढ़े हैं? मध्य विद्यालय लगमा दक्षिण। कहाँ पर है ये? समस्तीपुर जिला में लगमा गाँव में। आपका आपके आप एक मिनट अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड बताइएगा, आपके स्कूल में कितने दिन गए हैं? मैं क्या बोला, मैं उस टाइम का बात कर बता रहा हूँ, उस टाइम का बात बता रहा हूँ। कितने दिन स्कूल में, कितने दिन गए? चलिए क्या क्या आ गया, एक अच्छे गांव के स्कूल से रहने से पूरा बिहार थोड़ी सुधर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल। एक हमारे घर मुखिया अगर अच्छा मिल जाता पूरे गांव के मुखिया थोड़ी सही होगा। इनके गाँव में अच्छा स्कूल हो सकता है? इनके गाँव में अच्छे होंगे। बिहार में जो है रोजगार नहीं है, रोजगार पे क्यों नहीं बात होता? मेरे गाँव में बस इसीलिए रोजगार पे क्यों नहीं बात होता? 2 करोड़ रोजगार पे क्यों नहीं? रोजगार मतलब एक ही बार क्या आप काम नहीं, आप रहोगे टेंथ पास, आप बोलोगे मुझे 20,000 का जॉब चाहिए बॉस, ऐसा होता है क्या? बिहार में परिवर्तन कीजिए, ऑटोमेटिक रोजगार आएगा। बोले भैया बोले रोजगार आप कर रहे हो ना, आप रोजगार कर रहे हो ना, आप कर रहे हो ना, वैसे मैं यहाँ घूमते रहूँ स्टेशन पे तो मुझे रोजगार मिल जाएगा क्या? आपका रोजगार होता है? गोलगप्पा में इतना ठेला वाला कम आता है? अगर देख लीजिए रहे हो ना आप, हाँ ठेला वाला कम आता है भाई। सुनने की क्षमता रखिए, एक बाबा सुनिए, जीविका और रोजगार में अंतर समझ में आता है आपको? एक मिनट, जीविका और रोजगार का अंतर समझ में आता है? जीविका उसको बोलते हैं जो अपना रोजगार करके 100, 200, 300, 500 कमाते हैं, उसको जो अपना जीवन चला सकते हैं, और रोजगार उसको बोलते हैं जिससे एक परिवार चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका पहला से ठेला से एक परिवार चल रहा है। एक बात मैं व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, आप व्यापारी हो ना? व्यापारी हो। आज अर्थव्यवस्था जो कहते हैं मोदी जी 5 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन पहुंच गई है, आज व्यापार की स्थिति देखिए, बाजार में मक्खी भी नहीं उड़ता है, और व्यापारी माल अपने गोदाम में भर के रखा हुआ है लेकिन माल बिकेगा नहीं है। तो क्या कोई भूखे मर रहा है बताइए तो हमको? कौन भूखे मर रहा है हमको बताइए? नहीं मर, कोई भूखे नहीं मर रहा है। दारू पीने के लिए पैसा हो रहा है उसको कहेगा भूखे मर रहा है? जब झूठ मुठ का बदनाम कर रहा है, झूठ मुठ का बदनाम कर रहा है, कोई भूखे नहीं मर रहा है। जान लीजिए आप शराब पी रहे हैं? तो क्या हुआ, पीने वाला पी रहा है जिसको? कौन पी रहा है? अरे बिना पैसे के दारू पी रहा है, कोई भूखे मर रहा है, 1500 समझ रहा है, शराब बिक रहा है 1000 का दारू। देश में 80 करोड़ लोग जो है कि भूखे मर रहा है, मोदी जी कह रहे हम राशन दे रहे हैं। सुनिए भैया सुनिए सुनिए, सवाल सवाल भैया, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। मोदी जी क्या बोले हैं कि 80 करोड़ लोग जो है कि राशन बांट रहे हैं, 23 करोड़ लोग जो है कि बेरोजगारी से और गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, 2014 से पहले भी हमारे 2014 से पहले जो लोग गरीब थे वो गरीब नहीं थे, अमीर थे, और गरीब है ना अब बने हैं। अच्छा 2014 का पहले अडानी का नाम कभी सुने थे? सच बताइए, दिल से झूठ मत बोलिए। 2014 का सुनिए, सवाल सवाल, कांग्रेस पैसा से देता था, भीख में नहीं देता था, कांग्रेस मत बोलना। अरे इनका सवाल सुनिए, सवाल सवाल सुनिए, सवाल भैया सवाल सुनिए, 2014 से पहले अडानी का नाम सुने थे? हाँ सुने थे लेकिन 2014 से पहले, हाँ जैसे सुने थे लेकिन इतना अफवाह में नहीं सुने थे, जो अभी बड़े बड़े पोस्टर में आते हैं वो नहीं सुने थे हम लोग। नहीं, साड़ी उड़ी बेचते थे पहले, हाँ छोटा व्यापारी में गिनती आता था कि हाँ है। अडानी आखिर कैसे देश के सबसे करोड़पति आदमी बन गए 10 साल में? कौन से? बीजेपी छोड़ के सारे दागी नेता हैं, सब दागी नेता है। कौन कौन है? टोटल A to Z बीजेपी छोड़ करके, मतलब बीजेपी में वॉशिंग पाउडर है क्या, जो आता है धुल जाता है? उसको स्वार्थ लगा नहीं, वंशवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है बीजेपी के अंदर। हाँ एक आदमी से पूछिएगा ना, अमित शाह का बेटा जो चेयरमैन बना हुआ है BCC का, उसको वंशवाद नहीं बोलते हैं आप? सही है, 16,000 करोड़ रुपया का जो गमन कर लिए, आज जो बॉन्ड के नाम पर जो सरकार में कानून पास करवा लिए, और चंदा सन फार्मा जैसी कम, एक मिनट सन फार्मा, क्या बोले, हेलो हेलो करिए, बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, आज बीजेपी के राज में हो गया, मुख्यमंत्री ही हो गया ऊपर है, तो गाड़ी वाला मर रहा है, 30 लाख 40 लाख के डंपर है, पहले मुंह पर बंद करिए, पहले मुंह पर बंद करिए, सवाल दे रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, देख लीजिए क्या है आपके सामने, क्या है आपके सामने,
हम कहेंगे हाय। आप देखिए ना क्या है, नहीं ना नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि हाय। आप देखिए, देखिए डिलीवरी होता है दारू लेके, अंदर हम करेगा तो झूठ बोलेगा, मान जाइएगा। चेक कीजिए, चेक कीजिए, पहले सही से पहले। हाँ बोलिए बोलिए। इसे मेरा का नाम रहा लालू, लालू यादव के राज में था गरीब लोग चाहे अमीर लोग कमाते रहे खाते रहे हैं। गाड़ियों घोड़ा वाला के एक गाड़ी पर 50 आदमी खाता है, एक गाड़ी है, एक मिस्त्री खाया, ड्राइवर के बालोचा खाया, पाठ पुर्जा वाला के बालोचा खाया। इस समूचा गान मार दिया मोदी जी और नीतीश कुमार मार दिया गान, बालू बन दारू बन से समूचा गरीब मर रहा है। इसमें तो बीच बीच में तेजस्वी का भी गए हैं उनके साथ। किनका? तेजस्वी भी उनके साथ गए हैं, दो बार गए हैं, दो बार आए। तुमने नीतीश कुमार कोई के सर, भाई कोई के सरकार बना है बिहार में? आईटी का जमाना, आईटी का जमाना, आई तो गरीब पे कोई कारखाना बना है भाई? हम इतना बोलते हैं कि लोग यहाँ बिहार ही जा रहा है दिल्ली बॉम्बे कमाने के लिए, बिहार में कोई कोई कारखाना बना है? नहीं नहीं बना है कोई भी। 15 साल लालू जी रहे, कोई 15-17 साल से नीतीश जी है। लालू जी बढ़िया था, नीतीश बढ़िया था, लालू जी था, बढ़िया था लालू जी, बढ़िया था, चेन खा रहे थे, कमा रहे थे। लालू जी बढ़िया था तो जेल क्यों गए? जेल अनगिनत घोटाला है, गिनती नहीं है घोटाला का। जबरदस्ती में लाया गया उसका, जबरदस्ती में लाया गया उसका। भैया कोई कारखाना नहीं बना है, आज बेरोजगार आदमी है गरीब के लिए सब लोग जा रहे हैं, चाहे बॉम्बे दिल्ली पंजाब कहाँ कहाँ कमाने के लिए। यहाँ है कुछ, यहाँ है, यहाँ कुछ कारखाना है भाई जी? लालू यादव के समय में देश में नरसंहार होता था, सेनानी नरसंहार, अगर पुलिस वाले के भी बिहार में कोई चीज बना है, कोई भी नेता है? भैया बिहार में LED बोर्ड नहीं, सब लालटेन जलाना चाहता है तो कैसे विकास होगा? आगे सोचिए। मोदी चल गए भाई, मोदी जी आएंगे बिहार में तो ऑटोमेटिक विकास होगा, विकास होगा। ऐसे विकास अंतर्गत आज कहानी खत्म है। जब के सभा तो करके गए हैं, कोई को सभा करवाइएगा, कोई को सभा करवाइएगा। अगला बार आए थे, अरे अगला बार, अरे अभी आए हैं ना, अभी आए मोदी जी को वोट देंगे बिहार के लिए, गुंडे सब समझ रहे हैं, सब जानती है। अरे अभी आने से नहीं होगा, अरे अभी आए थे ना, कहानी खत्म हुआ। 16 मोदी जी बोले थे, सवाल सवाल सुनिए ना, अरे लड़ना नहीं, सवाल सवाल, अरे सवाल सुनिए, उत्तर आपसे जवाब चाहते हैं। वो जो 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 बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, 16 में 14 में जो इन्होंने भाषण दिया था, 2 करोड़ नौकरी देंगे और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करेंगे, चोरी नहीं होने देंगे इस सेंट्रल पे, आज 15 लाख खाते में आएगा और 16 हजार करोड़ रुपया चंदा जो उसा लिए मेडिकल वाले सन फार्मा से, एक फ्यूचर गेमिंग से 1500 करोड़ रुपया लिए है चंदा, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री को सेवी सुरेन को जेल भेज दिया, जो पद पे बैठे हुए उनको भी आप चैन से काम करने नहीं देना चाहते हैं 10 साल से। आज जाके दिल्ली में देख लीजिए, आपके बच्चे गरीब के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। एक सवाल सुनिए, पढ़ने वाले IAS IPS नहीं होते हैं क्या? आपके अंदर टैलेंट होगा तो नौकरी, वहाँ का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा है। APJ अब्दुल कलाम सबसे पिछलका बेंच पर बैठे ना, तो पढ़े वाला के टैलेंट हो थी, आगे बैठ बा बुद्धि है ना। अब्दुल कलाम बिना वैकेंसी की नौकरी में चल गए, नौकरी में ना पढ़े को तो टैलेंट। सुनो बाबू दे पैसा तोरा स्कूल में भरेला, तू गर्लफ्रेंड लेके घूमत है, दारू पिया है, तू UPSC या BPSC निकालबो, पिट्ठी पर स्कूल में गए, मुंह में सिगरेट है, एक हाथ चाय है, एक हाथ चाय एक हाथ सिगरेट, पिट्ठी पर स्कूल में सुनिए, बीजेपी के यहाँ जो समर्थक है ये लोग भारी पड़ रहे हैं, बीजेपी वाले कहियो भारी नहीं पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे उन पर कोई कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाजीपुर में ये दिख रहा है कि बीजेपी का यहाँ पे दबदबा है, कहियो दबदबा नहीं है यहाँ, कहियो हाजीपुर में दबदबा नहीं होगा। चिराग पासवान नहीं जीतेंगे, अरे जीतते, अरे वो अकेला भी लड़ते ना बिना पार्टी से, अकेला वो अपना पार्टी से तो जीतते, हम लोग वोट देते, लेकिन अब नहीं देंगे कि बीजेपी के जोड़े गए। कितने लोग चाहे वही लोग, चिराग जी कहे थे
कि हमारे पापा का जो अथी होता है तोड़ के बिक दिया बीजेपी वाला, आज गए हैं तो उसी को प्रणाम करता है, गोड़ धके उसी को हम वोट देंगे। मोदी जी के हनुमान, मोदी जी को डोमरिया नहीं है हनुमान के, बिना बिना डोमरी के हनुमान होता है। पिछले बेर 40 सीट में से बीजेपी के 39 मिला था यहाँ बिहार से, और 40 में 40 एक मिनट पहले पूरा बात सुने, पिछले बार 40 सीट में से 39 सीट मिला था ना, अगर जनता नहीं चाहता तो कैसे मिला मिला था। लेकिन एक बात बता दीजिए, कभी भी मोदी जी बिहार के लिए एक बैठक किए कि हमको 40 सीट में से 39 सीट आया? नीतीश जी कभी बैठक किए? आपके नीतीश जी वोट किए थे, हम वोट किए थे, तेजस्वी जी उपमुख्यमंत्री थे तो कभी बैठक? सुनिए ना, हमारे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, आप विधानसभा की बात क्या कर रहे हैं? हम पिछले में एक बार सुनिए ना, इस बार छोड़िए भाई, बहुत हो गया अब। अच्छा, हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को जिताएगी, हाजीपुर की जनता बीजेपी के साथ रहेगा तो वोट देंगे, बीजेपी के साथ वोट नहीं देंगे। हाजीपुर से कौन जीतेगा? जीतेगा चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग चिराग हाजीपुर से महागठबंधन, चिराग यहाँ चिराग जीत, चिराग 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 पासवान जिंदाबाद। हाजीपुर से कौन, हाजीपुर से कौन जीतेगा? कोई नहीं, हम नहीं बता सकते। हाजीपुर से कौन? पूरे हिंदुस्तान में सुनिए, पूरे हिंदुस्तान का बात कर रहे हैं, नहीं हाजीपुर से कौन, चिराग पासवान की कोई और? चिराग जीतेगा, पासवान जीतेगा पूरा। हमारे पप्पू जी आदरणीय पप्पू जी जो 54 साल के वो नौजवान है, आज चिराग पासवान बूढ़े हो गए तो हम लोग बूढ़े के साथ रहेंगे, चिराग पासवान के साथ बिल्कुल। पप्पू किसको कह रहे हैं? पप्पू वही है जो पोपो करते रहता है, और कौन रहेगा? ये क्या बोल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रधानमंत्री आपके मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना राहुल जी हैं, ना नरेंद्र मोदी जी हैं, और ना ये रामविलास पासवान जी हैं। मैं जनता हूँ, मैं देखता हूँ जो सही लगता है उसके तरफ बोलता हूँ। इस बार चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, फिर 5 साल के बाद फिर कोई दूसरा आ जाए, और कांग्रेस है, कोई है विपक्ष में, कांग्रेस है, कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस तो चोर है, देश को बर्बाद करके धो दिया। देश में मोदी जैसा आदमी नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान में मोदी ही आना चाहिए। केजरीवाल जैसे लोगों को इन्होंने जेल में भर दिया, जो इतना इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज देखिए सरकारी स्कूल में जाके छोटे बच्चे भी, गरीब के केजरीवाल किया ना वैसा, उसको फांसी देना चाहिए, कैसी जेल नहीं देना चाहिए, सीधा फांसी देना चाहिए। तो चलिए अगला चिराग, अच्छा सुनिए, हाजीपुर से कौन? हाजीपुर से तो भारतीय जनता पार्टी पूरा 400 पार बना करके जाएगा इस बार सरकार। हाजीपुर से चिराग पासवान की? सर हम समस्तीपुर से हैं, और हम तो तेजस्वी को ही वोट देंगे, तेजस्वी यादव जी को, तेजस्वी यादव। यस, चलिए हाजीपुर से चिराग पासवान की कोई और? चिराग 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 हाजीपुर से तेजस्वी, तेजस्वी यादव। चलिए तेजस्वी यादव, हाजीपुर से कौन? चिराग भैया, चिराग भैया। चलिए तो हाजीपुर के जनता देख सकते हैं आप लोग क्या चाहती है, इस बार 2024 में कौन बनेगा यहाँ से सांसद देखना होगा। लेकिन लोग जो है अपना अपना राय दे रहे थे, बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।